तो इधर गुरुग्राम में गंदे पानी की सप्लाई को लेकर आम आदमी कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करते दिखे। इस दौरान प्रदर्शनकारी बीजेपी और जेजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दिखे, जिसके बाद एसडीएम सोहना को ज्ञापन भी सौंपा गया। इस दौरान राम गौतम का कहना था कि वर्तमान सरकार जनता के हर मुद्दे पर विफल है। सोहना में सरेआम लूट हत्या का मामला रोजाना देखने को मिल रहा है, भ्रष्टाचार और महंगाई भी अपने चरम सीमा पर है। आपको पढ़ के आपको सुना देता हूँ। सेवा में महामहिम राज्यपाल महोदय हरियाणा सरकार चंडीगढ़, एक मिनट ये ज्ञापन सुन लिया जाए। आज एक चेतावनी थी प्रशासन को कि जनता के जो मुद्दे हैं उसका सूद लिया जाए, क्योंकि इस पे जो हमारी गठबंधन की बीजेपी और जेजेपी सरकार है वो बिल्कुल विफल है। और जो हमारे स्थानीय विधायक हैं संजय सिंह जी, वो तो सोना में आते ही नहीं है, वो तो गुड़गांव रहते हैं, तो जनता के मुद्दों की ना ज्ञान है ना सूद। तो इसलिए हमने एक चेतावनी दी प्रशासन को ताकि ये आवाज़ जो है हमारी आम आदमी पार्टी की स्थानीय विधायक तक भी पहुँचे और खट्टर साहब तक भी पहुँचे, और इसके बाद भी अगर जनता की समस्या का हल नहीं किया जाता है तो हम आम आदमी पार्टी के हाई कमान को एक बड़े आंदोलन के लिए राजी करेंगे और सोना में एसडीएम दफ्तर का घेराव करेंगे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो एक तो समस्या जो गंदा पानी है, साफ सफाई है और कुछ नगर निगम के भी मुद्दे हैं, तो साफ पानी की व्यवस्था के लिए नगर परिषद के अधिकारियों की मैं आज 2 बजे मीटिंग बुला लेता हूँ, और साफ़ सफाई के बारे में भी हम थोड़ा सा ब्रीफ ले लेंगे कि क्या इश्यू है। बाकी महामहिम के लिए हमारे ये जो ज्ञापन है ये भी वहाँ फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, और ये प्रयास रहेगा नगर परिषद के अधिकारियों के थ्रू इस जो बेसिक समस्या जो है।